हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीजें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइन्स को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो उस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक अच्छी स्क्वायरी शेप बना रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फिंगर्स की थिकनेस काफी अच्छी है, जिसकी वजह से अच्छी एनर्जी एंड स्टैमिना नेटिव के भीतर रहता है। यहाँ से आप फिंगर्स की थिकनेस को चेक कर सकते हैं। उसके साथ साथ इनकी फिंगर्स के ऊपर कुछ सीधी खड़ी रेखाएं, कुछ बारीक ऐसी सीधी खड़ी रेखाएं आपको नजर आ रही होंगी। ऐसी रेखाओं का होना काफी पॉजिटिव माना जाता है। ऐसे नेटिव जिनकी सभी फिंगर्स पर ऐसी रेखाएं होती हैं काफी मिलनसार स्वभाव के होते हैं, दूसरों के साथ बहुत अच्छे से पेश आने वाले होते हैं। और अगर हम बात करें फिंगर्स की लंबाई की तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी बृहस्पति फिंगर, यानी कि यह इंडेक्स फिंगर जो है काफी अच्छी लेंथ में है, और शनि फिंगर के लगभग टॉप तक पहुंच रही है। अच्छी लेंथ में इस फिंगर का होना नेटिव को काफी अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज देता है। ऐसे नेटिव किसी टीम को लीड कर सकते हैं, काफी स्पिरिचुअल माइंडेड होते हैं, धर्म कर्म के काम करने वाले होते हैं और काफी अच्छी नॉलेज एक्वायर करते हैं अपनी लाइफ में। उसके साथ साथ यहाँ पर इनकी शनि फिंगर को अगर देखा जाए तो बिल्कुल स्ट्रेट शनि फिंगर काफी अच्छी लेंथ में नजर आ रही है, थिकनेस काफी अच्छी है, एक हार्ड वर्किंग टाइप की पर्सनालिटी को यह इंडिकेट करती है। ऐसे नेटिव जिनकी शनि फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट हो और स्ट्रांग हो, काफी मेहनती होते हैं, डिसिप्लिन को फॉलो करने वाले होते हैं और लाइफ में इसी वजह से काफी अच्छी तरक्की पाने में भी कामयाब रहते हैं। अब बात करते हैं कि सूर्य फिंगर की, आप यहां पर देख सकते हैं सूर्य फिंगर की लंबाई में कोई भी कमी नहीं है, सूर्य फिंगर अच्छी लेंथ में है। और इनके शनि फिंगर का जो टॉप फैलेंज है इसके हाफ तक पहुंच रही है काफी अच्छी लेंथ में होने की वजह से, इस वजह से आर्टिस्टिक क्वालिटीज ऐसे नेटिव के भीतर काफी अच्छी रहती हैं। ऐसे नेटिव का सोशल सर्कल भी काफी स्ट्रांग होता है जिनकी सूर्य फिंगर अच्छी लंबाई में हो। अगर इनकी मर्करी फिंगर को चेक किया जाए तो मर्करी फिंगर हल्की सी टिल्टेड है लेकिन लंबाई में काफी स्ट्रांग नजर आ रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हल्की सी इस तरह से झुकाव मर्करी फिंगर का सूर्य और शनि फिंगर की तरफ होता हुआ, लेकिन मर्करी माउंट बहुत स्ट्रांग है और लंबाई अच्छी है इस फिंगर की, जिस वजह से कम्युनिकेशन स्किल्स इनके काफी अच्छे रहेंगे और इवन बिजनेस एक्यूमेन भी इनका काफी स्ट्रांग रहने वाला है। और फिंगर्स के बीच में कुछ हल्के गैप्स नजर आ रहे हैं, आप देख सकते हैं जो फिंगर्स की सेटिंग में इस तरह के गैप्स हैं, इसकी वजह से नेटिव थोड़ी इंडिपेंडेंट नेचर का होता है, अपनी मनमर्जी का मालिक होता है, इस तरह की स्वभाव जो है व्यक्ति का रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को, उसके बाद हम इनकी रेखाओं को भी चेक करेंगे। अगर मैं यहां पर एक लाइन ड्रॉ करता हूं तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनकर सामने आ रही है, जिसमें आप देख सकते हैं कोई भी माउंट यहाँ पर लो सेट नहीं हो रहा है, सभी माउंट्स को यहाँ पर काफी अच्छी स्पेस मिलती हुई नजर आ रही है। और इनके अगर मर्करी माउंट की हम बात करें, यह माउंट आपको पूरी तरह से ऊपर की तरफ उठा हुआ नजर आएगा, उभरा हुआ मर्करी माउंट नेटिव को काफी अच्छे बिजनेस स्किल्स देता है, काफी अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं। और साथ साथ यहाँ पर कुछ खड़ी रेखाएं नजर आ रही है इस माउंट के ऊपर, आप देख सकते हैं ऐसी खड़ी रेखाएं, अगर यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पर चार से पांच ऐसी रेखाएं देख पा रहा हूं, अगर ऐसी यहाँ पर छह से सात रेखाएं हों किसी व्यक्ति के हाथ में तो ऐसा व्यक्ति काफी अच्छा हीलर हो सकता है, दूसरों की प्रॉब्लम्स को समझने वाली नेचर होती है। ऐसे नेटिव अपने शब्दों से, अपने कर्मों से या अपनी सलाह देकर या कंसल्टेशन देकर दूसरों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह की रेखाओं को मेडिकल स्टिग्माटा का नाम भी दिया जाता है। यहाँ पर मेडिकल स्टिग्माटा कंप्लीट तो नहीं बन रहा, क्योंकि अगर यहाँ पर छह से सात ऐसी खड़ी रेखाएं हों तो ऐसा नेटिव मेडिकल फील्ड में भी हो सकता है, डॉक्टर, नर्स या किसी न किसी ऐसे फील्ड में होकर दूसरों की हेल्प कर सकता है। यहाँ पर इन रेखाओं का काफी लाभ नेटिव को मिलता है, सिंपैथेटिक नेचर रहती है, धर्म कर्म के काम करने वाले होते हैं ऐसे व्यक्ति, और यह रेखाएं बहुत ही शुभ परिणाम देती हैं। आगे आप देख सकते हैं इनके गुरु माउंट को,
गुरु माउंट भी यहाँ पर मरकरी माउंट की तरह ही काफी स्ट्रांग नजर आ रहा है। गुरु फिंगर को हमने देखा काफी अच्छी लंबाई में है, जिस वजह से लीडरशिप क्वालिटीज तो अच्छी रहती ही हैं। उसके साथ साथ यहां पर आपको एक इस तरह की रेखा नजर आएगी और यह रेखा पूरी तरह से जुड़ी हुई नहीं है, लेकिन काफी अच्छा एक फॉर्मेशन बना रही है गुरु वलय की। इस तरह के रिंग को हम कहते हैं रिंग ऑफ सोलोमन। अगर किसी नेटिव के हाथ में रिंग ऑफ सोलोमन मौजूद हो, उसके साथ साथ बुद्धाजाई का चिन्ह भी हो, जैसे यहां पर आप इनके अंगूठे के ऊपर देख सकते हैं, इस तरह से एक आंख जैसा चिन्ह बन रहा है जिसको हम बुद्धाजाई कहते हैं, ये दोनों चिन्ह मौजूद हो, तो ऐसे नेटिव मिडल एज से यानी कि 50 के आसपास की एज से काफी ज्यादा स्पिरिचुअल हो जाते हैं, धर्म कर्म के काम करने लगते हैं, सिक्स सेंस इनकी बहुत अच्छी होती है, आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास इनको होता है, इस तरह की नेचर होती है। और अगर यह जो रिंग ऑफ सोलोमन है बिल्कुल स्ट्रांग हो, बिल्कुल भी इसमें ओवरलैपिंग ना हो, तो ऐसा नेटिव वैराग्य की तरफ भी चल सकता है, मेडिटेशन करना, पूजा पाठ करना, भक्ति करना, ऐसी चीजों की तरफ ऐसे नेटिव का ध्यान काफी हो सकता है। यहां पर इस तरह का रिंग बनना जिसको हम रिंग ऑफ सोलोमन कहते हैं बहुत ही पॉजिटिव फल देता है। रिंग ऑफ सोलोमन हथेली में होने की वजह से नेटिव सोशल वर्कर टाइप की पर्सनैलिटी होती है, दूसरों की हेल्प करने वाली नेचर होती है, इस वजह से समाज में काफी मान सम्मान भी ऐसे नेटिव को मिल पाता है। आगे बात करते हैं इनकी शनि माउंट की। शनि माउंट यहाँ पर हल्का सा दबता हुआ नजर आ रहा है, आप देख सकते हैं यह माउंट अंदर की तरफ दब रहा है। शनि माउंट अगर दबता हुआ नजर आए तो नेटिव को लाइफ में स्ट्रगल भी करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। अगर यह माउंट उठा हुआ हो और एक लंबी शनि रेखा मौजूद हो तब नेटिव को भाग्य के बल पर सब कुछ मिल जाता है। यहां पर आप देख सकते हैं कि शनि रेखा को आपको दिखाना चाहूंगा, यहां पर शनि रेखा की फॉर्मेशन मिडल से हो रही है हथेली के, और शनि रेखा यहां पर शनि माउंट की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन बहुत ज्यादा लंबाई में नहीं है, यहां पर आकर थोड़ी सी ओवरलैपिंग इस रेखा में होती हुई नजर आ रही है। लेकिन इस रेखा का शनि माउंट तक पहुंचना, यहां तक इस रेखा का पहुंचना यह भी दर्शाता है कि लेटर रे जैसे व्यक्ति की बहुत अच्छी रहती है। शनि माउंट में इस तरह की हल्की सी ओवरलैपिंग्स का होना अप्स एंड डाउन्स को दर्शाता है, लाइफ में कई बार अप्स एंड डाउन्स का सामना करना पड़ेगा, काफी मेहनत और स्ट्रगल इनकी लाइफ में रहेगी। उसके बाद आप देख सकते हैं हल्का सा गर्डल ऑफ वीनस भी यहां पर बन रहा है। यह जो चिन्ह है जो एक कंप्लीट अर्ध चंद्रमा तो नहीं बन रहा, लेकिन अगर आप इसको देखोगे तो आपको ये अधूरा शुक्र वलय बनता नजर आएगा। आपको शुक्र वलय कंप्लीट बनाकर दिखाता हूं, कंप्लीट शुक्र वलय इस तरह से होता है, एक बिल्कुल अर्ध चंद्रमा जैसी आकृति को शुक्र वलय का नाम दिया जाता है। अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर यह कंप्लीट बन रहा हो तो यह व्यक्ति को बहुत अच्छा इंसान बनाता है, पूरा शुक्र वलय होने से नेटिव आर्टिस्ट हो सकता है। लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत, अगर यह अधूरा शुक्र वलय है तो इसके काफी सारे नेगेटिव इफेक्ट्स भी होते हैं। ऐसे नेटिव को एडिक्शन की दिक्कत हो सकती है लाइफ में, एंटीसेक्स अट्रैक्शन ज्यादा होती है, लेकिन आर्टिस्टिक माइंड जरूर होता है, मूडी टाइप की नेचर व्यक्ति की हो सकती है अगर अधूरा शुक्र वलय हाथ में बनता हो। सूर्य माउंट की बात की जाए, सूर्य माउंट यहां पर फ्लैट नजर आ रहा है, लंबी सूर्य रेखा का अभाव है। यहां पर सूर्य रेखा कुछ इस साइज की और कुछ हल्की ऐसी साथ में ब्रांचेस जो इंडिकेट करती हैं कि मल्टीटास्किंग टाइप की पर्सनैलिटी रहेगी, एक से ज्यादा तरह की आर्टिस्टिक क्वालिटीज इनके भीतर रहेंगी। ओवरऑल सूर्य माउंट बहुत ज्यादा वीक नहीं है, अच्छा सोशल सर्कल इनका रहने वाला है। आगे बात करते हैं इनकी हार्ट लाइन की। आप देख सकते हैं हार्ट लाइन बिल्कुल स्ट्रेट चलती हुई और यहां पर गुरु माउंट तक पहुंच रही है। हार्ट लाइन अगर बृहस्पति माउंट तक पहुंचे तो ऐसे नेटिव दिल से स्पिरिचुअल होते हैं, दिखावे की स्पिरिचुअलिटी इनको अच्छी नहीं लगती, काफी स्पिरिचुअल माइंडेड पर्सनैलिटी होती है, काफी ऑनेस्ट एंड लॉयल टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे नेटिव की रहती है जिनकी हार्ट की लाइन सीधा आगे बढ़कर गुरु माउंट तक पहुंच जाए। उसके साथ साथ इस रेखा पर नीचे की तरफ चलने वाली कुछ हल्की ब्रांचेस इमोशनली वीक भी करती हैं नेटिव को, इमोशनल सेटबैक्स मिलने की संभावनाएं रहती हैं जब ऐसी ब्रांचेस नीचे की तरफ हो, अदरवाइज कोई मेजर इशू इनकी हार्ट की लाइन के जरिए नजर नहीं आ रहा। बात करते हैं इनकी लाइन ऑफ माइंड की। माइंड की लाइन यहां पर मीडियम साइज में है, बहुत ज्यादा लंबी नहीं है, जिस वजह से प्रैक्टिकल पर्सनैलिटी रहेगी। अगर यह रेखा बहुत लंबी हो तो नेटिव को दिक्कतें आती हैं मूव ऑन करने में। अगर सपोज यही रेखा इतनी लंबी हो जाए तो नेटिव की मेमोरी बहुत ज्यादा शार्प हो जाती है, पुरानी बातों को ऐसा व्यक्ति भूल ही नहीं पाता। अगर यह मीडियम साइज की हो
यह अच्छा रहता है, ऐसा नेटिव आगे बढ़ता रहता है लाइफ में, पुरानी बातों को भूलकर आगे लाइफ में कंटिन्यू करता है अपनी जर्नी को। अच्छी माइंड की लाइन है, प्रैक्टिकल टाइप की पर्सनैलिटी रहेगी, कोई भी नेगेटिव चिन्ह इनकी माइंड की लाइन के ऊपर नहीं है, जो एक बहुत ही अच्छी बात है। अब बात करते हैं इनकी लाइन ऑफ लाइफ को। लाइफ की लाइन यहाँ पर मीडियम लेंथ में है, आपको दिखाना चाहूंगा, बहुत ज्यादा लंबाई नहीं है लाइफ लाइन की। 75 से लेकर 80 के आसपास की एज रहने की संभावना। इस तरह की लाइफ की लाइन अंदर की तरफ एक रेखा चलती हुई, जिसको मंगल की रेखा कहा जाता है, मार्स लाइन अगर हथेली में मौजूद हो तो ऐसे व्यक्ति की एनर्जी और स्टैमिना काफी अच्छा होता है। मंगल रेखा होने से प्रॉपर्टी का सुख नेटिव को मिलता है, ऐसे नेटिव अपनी मेहनत से काफी अच्छी प्रॉपर्टी बना पाने में भी कामयाब रहते हैं। और अगर इनकी लाइफ लाइन की लंबाई की बात की जाए तो अभी यह रेखा बहुत ज्यादा लंबाई भी नजर नहीं आ रही और लगभग 75 के आसपास की एज को दर्शा रही है। यह रेखा और भी बढ़ सकती है और इस रेखा में अंत में आकर कुछ इस तरह का चिन्ह का बनना, यह चिन्ह नेटिव को फॉरेन ट्रेवल्स देता है। ऐसे व्यक्ति विदेश यात्राएं करते हैं, सडन वेल्थ गेन होने की संभावनाएं रहती हैं। जब इस तरह का फिश जैसा या काउच का चिन्ह बिल्कुल केतु माउंट के ऊपर बन रहा हो तो काफी पॉजिटिव इस चिन्ह को माना जाता है। प्रोग्रेस की अगर बात की जाए तो यहाँ पर काफी सारी प्रोग्रेस लाइंस इनकी लाइफ लाइन से ऊपर की तरफ उठ रही हैं। ऐसी रेखाएं जो नेटिव को काफी अच्छी प्रोग्रेस देती हैं, ऐसे व्यक्ति लाइफ में काफी तरक्की करते हैं लेकिन काफी मेहनत भी रहती है। यहाँ पर इनके हाथ में इनकी लाइफ लाइन के ऊपर काफी सारी प्रोग्रेस लाइंस होने से जो इनकी तरक्की है वो लगातार चलती रहेगी, थ्रू आउट द लाइफ प्रोग्रेस बनी रहने की संभावनाएं हैं। आगे आप देख सकते हैं इनके वीनस माउंट को। वीनस माउंट का एरिया उभरा हुआ है, जिस वजह से थोड़ी खर्चीली पर्सनैलिटी भी रहेगी और इस वजह से लाइफ में धन एकत्रित कर पाने में दिक्कतें होती हैं। ऐसे व्यक्ति थोड़े खर्चीले स्वभाव के होते हैं और ऐशो आराम की चीजों के ऊपर खर्चा अधिक करते हैं। चंद्र माउंट की बात की जाए, चंद्र माउंट यहाँ पर काफी अच्छा नजर आ रहा है, बिल्कुल अच्छी स्पेस इनके मून माउंट को मिलती हुई। कोई भी नेगेटिव चिन्ह नहीं है लेकिन कुछ आड़ी रेखाएं इस तरह की यहाँ पर, इसकी वजह से थोड़ी एंग्जाइटी रह सकती है लेकिन कोई मेजर प्रॉब्लम चंद्र माउंट के जरिए यहाँ पर नजर नहीं आ रही। तो यह कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।